हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं हीरो डेस्टिनी 125 का एक्सटेक वेरिएंट। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें कुछ आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, उसके बारे में अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। पहले देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं डेस्टिनी 125 के से थोड़ा अलग है इसका हेडलाइट्स का डिज़ाइन, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द 110cc। यहाँ पे आपको LED सेटअप मिल जाता है, अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED DRLs भी मिल जाते हैं दोनों साइड में। बट यहाँ पे जो इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे वो आपको हेलोजन ही मिलेंगे। पूरा फ्रंट से जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से क्रोम का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्रोम ऐसे इंसर्ट्स मिल जाएंगे। और ये इसका फ्रंट का मड गार्ड, ये आपको मेटल का मिलता है विच इज़ रियली गुड। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऐसे प्रोटेक्शन भी मिल जाता है फॉर द मड गार्ड, क्योंकि आप यहाँ से पेन स्क्रैचिंग ज़्यादा होती है इस पार्ट से, सो विच इज़ रियली गुड। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऐसे मैट ब्लैक कलर्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं ट्यूबलेस टायर्स के साथ। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको हाइड्रोलिक, जो हर स्कूटर में सेम ही होता है ऑलमोस्ट। हीरो डेस्टिनी 125 में आपको ड्रम वेरियंट्स ही मिलता है सिर्फ, आपको डिस्क वेरियंट नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। बट या इसलिए इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है कॉम्पिटिशन से। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। टायर्स जैसा आप देख सकते हैं आपको C8 के टायर्स मिलेंगे यहाँ पे, और इनकी प्रोफाइल है 90x110, 10 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं। थोड़े बड़े होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मी, बट या ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको I3S टेक्नोलॉजी मिल जाएगी यहाँ पे, जिससे फ्यूल इकोनॉमी, पावर डिलीवरी, टॉर्क डिलीवरी, उन सब में काफ़ी हेल्प होता है। सही है, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसा आप देख सकते हैं इस मरून कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। और एक्सटेक 125 में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे कुछ क्रोम इंसर्ट्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। देख सकते हैं आपको हैंडल बार के साइज में भी यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाएंगे। और मिरर्स भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे शेप के, रेट्रो स्टाइलिंग है, फुल्ली क्रोम इंसर्ट्स में है इसके मिरर्स, विच आर लुकिंग रियली गुड। अब साइड लुक देख लेते हैं। सो आपको ऐसा साइड लुक मिलता है यहाँ पे, अच्छी लग रही है। और पीछे आपको अभी बैक रेस्ट भी मिलता है 125 एक्सटेक में डेस्टिनी के, सर वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर अ 125cc स्कूटर। साइड के फुट पेग्स देख सकते हैं आप, रबराइज फुट पेग्स है और इनकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल क्वालिटी वो सब में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्रोम इंसर्ट्स ऐसे मिल जाएंगे और 3D में लिखा गया है, जैसा आप देख सकते हैं डेस्टिनी 125 एक्सटेक। और ये इसका इंजन 125cc का एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक इंजन, जो कि 9 BHP ऑफ पावर और 10.4 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कर देता है। एक्सटेक टेक्नोलॉजी है, इससे आपकी पावर टॉर्क डिलीवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है, एकदम अच्छी पावर आपको डिलीवरी मिलेगी लो एंड से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके बारे में। और मेन स्टैंड भी आपको यहाँ पर मिल ही जाता है, और साइज स्टैंड मिल जाएगा आपको डिलीवरी के टाइम पे। और इसमें साइज स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है, विच इज़ रियली गुड। और पीछे के टायर्स भी देख सकते हैं आपको सेम साइज के मिलते हैं, 90x110, 10 इंच के आपको पीछे के टायर्स भी मिलेंगे सेम एज द फ्रंट वन। सो ओवरऑल अच्छी लग रही है, कन्वेंशनल आपको 125cc स्कूटर्स की तरह ही लगेगी। और सीट्स भी देख सकते हैं आप, ऐसे आपको डुअल फिनिश मिल जाती है। ये देख सकते हैं आपको मैट्रिक्स डॉट फॉर्म मिलेगा यहाँ पे। ओवरऑल सीट्स का विथ, क्वालिटी वो सब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइड सीट्स हैं इनकी। और यहाँ पे आपको पिलियन के लिए बैक रेस्ट भी मिल जाता है, ग्रैब हैंडल में मतलब फिक्स्ड है। इसकी भी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बड़ी साइज़ की है, सो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी पीछे बैठने में। और अब पीछे की लुक देख लेते हैं क्या मिलता है आपको। यहाँ पे आपको हेलोजन मिलता है फॉर द रियर लाइट, ये LED होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, बट या वो आपको यहाँ पे हेलोजन ही मिलता है। और हेलोजन इंडिकेटर से आपको दोनों साइड में मिलेंगे, हीरो की बैजिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे, या यही है पीछे, यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी आपकी।
और साइलेंसर के ऊपर भी आपको यहाँ पे क्रोम एक इंसर्ट मिल जाएगा, और पीछे की भी ट्यूबलेस ही है, एलॉयज है जैसा आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप मिल जाता है जो कि कॉमन है इस सेगमेंट में, और यहाँ पे भी आपको डेस्टिनी की ऐसे ब्रांडिंग मिल जाती है। ओवरऑल एक सिंपल स्कूटर है बट फंक्शनल है फुल्ली, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक स्कूटर के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका बूट खोलने के लिए आपको यहाँ से प्रेस करना होगा, बूट खुल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छे से कटआउट मिलते हैं, हेलमेट आप आराम से रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको LED लाइट्स भी मिल जाती है। ओवरऑल ये वाला सही है एरिया, फुल साइज हेलमेट नहीं आएगा बट हाफ फेस हेलमेट आराम से आ जाएगा, और थोड़ा बड़ा हो सकता था अकॉर्डिंग टू मी इसका बूट स्पेस। बट यहाँ पे आपको टूल बॉक्स, फर्स्ट एड किट वो सब मिल जाएगा, और आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है स्कूटर में, जो कि स्टैंडर्ड है अक्रॉस द सेगमेंट। सो अच्छी है पैकेजिंग, और एक भी इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ज़्यादा फ्लिम्जी नहीं है। और अब हैंडल बार देख लेते हैं क्या क्या आपको यहाँ पे मिलता है। जैसा आप देख सकते हैं अच्छे से सब पोजिशनड है, यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर्स का बटन, हॉर्न का बटन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, साइलेंट स्टार्ट आपको मिल जाएगा, I3S टेक्नोलॉजी ऑन करना हो ऑफ करना हो, या आप सोच सकते हैं ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसा कार्स में होता है वही टेक्नोलॉजी है, ट्रैफिक में बंद हो जाएगी और अगर आप ब्रेक दबाएंगे और एक्सीलेटर को थोड़ा रोटेट करेंगे सो आपकी स्कूटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको कोर्ट हुक्स मिल जाता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मिल जाता है, इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं आप जैसे आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे फुटबोर्ड एरिया काफ़ी अच्छा है, अच्छी खासी आप चीज़ें ले जा पाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने वेट तक क्या क्या ले जा सकते हैं, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कभी स्पेस आपको दोनों साइड में मिल जाती है, छोटे 500 ml के बॉटल भी रख सकते हैं आप यहाँ पे। सो अच्छे से यूटिलिटी आपको मेंटेन हो रही है यहाँ पे, अच्छी स्पेस मिल जाती है। ये एक्चुअली USB कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली आपको यहाँ पे मिल जाता है USB कनेक्शन इसका, जैसा आप देख ही सकते हैं, यहाँ से लगा के आप डायरेक्टली ऊपर यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं। सो अच्छी है पैकेजिंग, मिरर्स का शेप आप देख सकते हैं, परफेक्ट शेप है, बिल्कुल भी ब्लाइंड स्पॉट्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और फ्यूल लिट को ओपन करना हो सो आपको पुश करके ऑन करना है। पहले सेंटर कंसोल देख लेते हैं क्या क्या मिलता है आपको। स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एनालॉग मिलता है, और यहाँ पे आपको MID मिल जाती है एक, फ्यूल लेवल लो है इसका इंडिकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इन दोनों साइड में आपको इंडिकेटर के प्लेसमेंट मिलते हैं। इसके अंदर भी देख सकते हैं क्रोम के काफ़ी अच्छे से इंसर्ट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे देख सकते हो ओडोमीटर, फ्यूल लेवल, टाइम, और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट यहाँ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही है। यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे इंजन लाइट, यहाँ पे ओडोमीटर, फ्यूल लेवल, टाइम, रेंज और डिस्टेंस टू MT हो सकता था बट वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। सर्विस रिमाइंडर, साइड स्टैंड कट ऑफ इंडिकेटर वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको हीरो की ब्रांडिंग ऐसे मिल जाएगी। मेरी हाइट है 5 feet 11 inch, देख सकते हैं लेग रूम मुझे डिसेंट मिल जाती है यहाँ पे, और स्पेशियस है फुटबोर्ड एरिया, इजीली आप पैरों को मूव कर सकते हैं यहाँ पे, और स्विच गियर की क्वालिटी ये सब भी काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। पावर टॉर्क डिलीवरी जैसा मैंने आपको कहा, काफ़ी आपको लीनियर पावर डिलीवरी मिलती है, ज़्यादा भी टॉर्की नहीं है और ज़्यादा भी अंडर पावर्ड नहीं लगती आपको। सो काफ़ी एक वेल पैकेज्ड स्कूटर है हीरो की ओर से, और अच्छी खासी बिक भी रही है हीरो डेस्टिनी 125। आपको सारी प्रैक्टिकलिटी मिल जाती है, प्रैक्टिकलिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पावर टॉर्क फिगर भी काफ़ी अच्छा है स्कूटर के। सो यह अच्छी पैकेजिंग है, अगर आपको एक हीरो की स्कूटर चाहिए, हीरो की सर्विस नेटवर्क काफ़ी बड़ी है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री है, सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है हीरो की, रीसेल तो आप जानते ही है काफ़ी ज़्यादा है। आपको एक नो नॉनसेंस स्कूटर चाहिए जो आपका फंक्शन हर दिन का काम पूरा कर दे,
सारे आपको फीचर्स मिल जाए, जैसे यूएसबी चार्जिंग, वो सब। पावर टॉर्क डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी है और ओवर क्वालिटी भी अच्छी है स्कूटर की, सो उसमें भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। सो या मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता है किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए। काफ़ी आपको स्मूथ इंजन मिलती है, जैसा आपने सुना काफ़ी अच्छे से रेव होती है इंजन, उसमें भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। पर हेडलाइट्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो ऐसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं एरो पैटर्न के आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। लो बीम पे चल रहा है, यहाँ पे आपको हाई बीम जल जाएगा जब हाई बीम भी करेंगे।